मॉर्निंग दोस्तों, कैसी रही आपकी लास्ट नाइट? मेरी तो बहुत मस्त रही। आज एक नई एनर्जी के साथ उठे और नई एनर्जी के साथ अपना काम शुरू कर। इतना लेट उठ रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आ रही है, इतनी मस्त और प्यारी नींद। मन नहीं कर रहा है बेड से उठने का, लेकिन पता है कि काम बहुत ज्यादा होते हैं। अभी मैं तैयार हो गया, आ चुका हूँ और नहा धो के बढ़िया फ्रेश हो गया। 12 बजे करीब बज चुके हैं। मैंने ब्रेकफास्ट के नाम कुछ नहीं किया, तो डायरेक्ट अब ब्रंच करेंगे और उससे पहले अपना शेड्यूल रेडी कर लेंगे आज का। तो दोस्तों, ये बड़ी मस्त चीज़ मैं लाया हूँ अभी, पहले ड्रिंक। वहाँ पे कीवी का भी था, एप्पल का भी था, मैंगो का भी था, और आपका ग्रेप्स, गुआवा सब थे। लेकिन मुझे जो पसंद दिखा उस टाइम पे लेने के लिए, तो पाइन एप्पल था। बाकी जो एप्पल था वो आपका थोड़ा सा महंगा था, वो बहुत यमी है। यहाँ से अगर आपको लोकेशन चाहिए उस इसको खरीदने की, तो एक ही जगह मिलेगा, वो है आपकी सुंदरनगर में आओ। और आप ये सुंदरनगर से जो बिलासपुर रोड जा रहा है आपका 4 लेन, हरा बाग और बीच जैसे में आएगा आपको HPMC का राइट साइड में, तो आप वहाँ पे खरीद सकते हो उसको। तो अभी कंसंट्रेटेड है इसको, मैं जरा पीऊँगा अभी। अभी मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से, तो मैं स्टार्टिंग ही इससे करूँगा अपनी। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालता हूँ तो। मैं तो अपनी लोकेशन पे आके बैठ चुका हूँ। लोकेशन देखनी है आपको तो ये दिख रही है आपको। अब लैपटॉप ऑन करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अपने भाई को, तो बताते हैं आपको भाई को कैसे देखेंगे। रुको एक मिनट। चुबा केसरी। तो ये ऐसी है, ठीक है चल। भाई मेरे को इसकी शक्ल देख पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों। दुनिया की सबसे बड़ी चुगलखोर ये नहीं, वो जो है फलक, इतना चुगली करती है। एक टाइम पे ये फुकरा को जनानी वो गंदे गंदे वर्ड यूज कर रही थी। जब देखा कि बाहर से एल्विश है और वो फुकरा भाई का दोस्त है, तो भाई बस बंदी कैसे बदल गई कि पता नहीं क्या बता दिया। वो इसकी हाथ में आ गई भाई। और ये जो सेंटर ऑफ द शिप है ना भाई, तू कहीं का सेंटर ऑफ शिप नहीं है। वो कोई पसंद नहीं करता तेरे को, वही पसंद करते हैं जो तेरी बिरादरी है। अपने निकलेगा ना वर्ल्ड से, अपनी शिप से, जो सो कॉल्ड शिप कह रहा है, दिख जाएगा कि तुझे कोई पसंद नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन ये जो तीन नल्ले हैं बाकी जो पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, कोई भी बंदा चला जाए, ये हल्का है, ये है, वो है। मैं तो ये सोचता हूँ जब ये बाहर आएंगे ना, जो राव साहब की आर्मी इनकी बैंड बजाएगी बाहर, मैं वो इमेजिन कर रहा हूँ। लेकिन जब बाहर निकलेंगे, अपने इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे और सुनेंगे, ट्विटर्स के कमेंट्स पढ़ेंगे, फिर इनको पता लगेगा कि ये आए थे इज्जत कमाने और क्या इज्जत गवा के निकले घर के बाहर। इनको पता भी नहीं चलेगा भाई, देखते हैं आने दो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो बहुत एजुकेटेड है भाई, और बिहार के बंदे होते भी एजुकेटेड ही हैं। या तो IAS बनते हैं या IPS बनते हैं, या ऐसे एजुकेटेड निकलते हैं कि दिमाग से बहुत तेज होते हैं भाई, बहुत तेज। मैं मान चुका इस बात को दोस्तों। अभी मैं पढ़ने बैठा था और मुझे एक प्यारा सा कोट मिला जो मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी सुनो। मंजिलें कितनी भी दूर क्यों ना हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियाँ मुझ में चाहे कितनी भी हो, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। अभी दोस्तों खाना खुना खा लेते हैं, फिर उसके बाद अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। एनर्जी के बिना पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई के बिना एनर्जी नहीं होती, तो चलते हैं। अभी तो यार देखो, मैंने अभी मैंगो लिया, अभी थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। मैंगो थोड़ा ग्रीन ग्रीन लग रहा है, देखते हैं इसको काट के खाएं। तो गाइस अब हमने ये किया है, तो गाइस अब मैं इस मैंगो को काटूंगा और मैंगो काट के, तो गाइस मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ, आप चलो मेरे साथ गाइस। तो गाइस ये मैंगो है गाइस, और गाइस मैं इसको छुरी से काटूंगा। जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, अंदर से थोड़ा सा ग्रीन होगा, लेकिन अभी इसको खाने का मजा बहुत आएगा, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, और बाहर इतना प्यारा मौसम हो रहा है भाई कि मन कर रहा है चार पकौड़े मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिलने वाले। सच कहूँ तो मैं इसको शेयर कर सकता था बहन के साथ, लेकिन मेरे मन में लालच आ गया और लालच बुरी बला है, मैं सीख चुका हूँ, वरना मैं उसको दे देता। तो गाइस ये मेरी मजबूरी है कि मुझे सिखाना पड़ेगा,
वरना मैं तो इसको बहन को दे देता। दे गाइस अब इसको देखते हैं किस स्वाद आता है इसका। तो गाइस आप समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जिसको ये लगता है हिमाचल में पहाड़ों पहाड़ 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 होते हैं और हम जंगलों के ऊपर हुला लाला वो कहते हैं, नहीं भाई हमारे यहाँ पे भी ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो ज़्यादा ऊंची नहीं होती, क्योंकि इनका रीज़न होता है कि यहाँ मिट्टी जो है इतनी स्टेबल नहीं होती है और धस जाएगी अगर हम ज़्यादा ऊँचा कर दें इसको। सेकेंडली पहाड़ कुछ ऐसे होते हैं यहाँ पे जहाँ पे घर वगैरह दिख रहे होंगे आपको, वो तो दिख रहा होगा आपको, ठीक है वैसे वैसे होते हैं यहाँ पे घर। तो ये जो चने की दाल है आप कहीं पे भी खरीद सकते हो, ये मैं अभी खा रहा हूँ इसको, ये मसाले वाली दाल होती है, तो आप जाके दुकान से खरीद सकते हो। इसको खाने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊँ, इसको ऐसे मत खाना ऐसे मैं खा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत आलसी बंदा हूँ जो प्याज पेयर के लिए हिम्मत नहीं करेगा। सबसे बेस्ट तरीका होता है आप प्याज लीजिए, उसको स्क्वेयर में कट कीजिए, इसके अंदर डालिए छोटे छोटे पीसेस और ऊपर से मिर्च काटिए, दो तीन हरी मिर्च काटना, दूसरी मिर्च डाल देना उनको काटिए और इसमें डालिए, ऊपर से दो नींबू लीजिए आया है इसको निचोड़िए, और जो स्वाद आता है ना जो चटकारा मिलता है ना जीभ के ऊपर भाई मज़ा मज़ा सा आ जाएगा आपको, इसको ट्राई करना। और वो दूसरी चने की दाल मत ले आना कच्ची, ये थोड़ी मसाले वाली होती है और ये आई थिंक फ्राइड हुई होती है पहले से और बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी होती है, तो इसे खरीदो और ट्राई करो विद प्याज एंड नॉन मसालास। मैं इतना मेहनती नहीं हूँ तो मैं इसको डायरेक्ट खाना पसंद करूँगा, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको भाषण तो दे रहा कि मैं थोड़ा सा वो हूँ लेजी हूँ, लेकिन दोस्तों अभी मेरा भी दिल कर गया कि थोड़ा चटपटा खा ही लेता हूँ। तो गाइस मैंने अभी उसको खा लिया और इतनी इतनी बेच लग रही है मुझे कि मुझसे ढंग से एवं नहीं हो रहा है, तो मैं इसको खाऊंगा चीनी को स्नो बर्फ मैं खा लूंगा अभी। मैं दूध पीने वाला था लेकिन मेरी प्यारी बहन मेरे लिए कुछ और ही ले आई, तो मैंने सुबह आपको बताया था ना ये उसको ही पी लूंगा मैं, तो मैंने आपको बताया था इसको कितना डालना है, 2 चम्मच एक गिलास में, याद रखना इसको। भाई अभिषेक स्टैंड ले चुका है एल्विश के लिए, ये नल्ला जैसा नल्ला नल्ला अविनाश, इसको तो कमेंट सेक्शन पे ठोक दो। बोलो कि नहीं करना है ठीक है, तो वो मैंने क्या बोला आपको कि नहीं करना है तो ठीक है, वो आपका डिसीजन है कम्प्लीटली। आई जस्ट ओनली वन थिंग कि उनके रोमांस या लैक ऑफ रोमांस को बीच में मत लाओ, बस वो समझ गया वो उससे पहले, मगर वो बंदी बोल रहा है, बंदी बोल रहा है आप रिएक्शन मत दो ना, बंदी बोल रहा है तो उससे पहले फिर वो अननेसेसरी हाईलाइट होता है। वो क्या बोला, 3 दिन से सब लोग का चल रहा है ये फलक, मैं तो शॉक हो गई कि 3 दिन से सब लोग बोल रहे हैं भाई मुझे। He is the biggest nulla in the world. नहीं, the biggest nulla in the world. She is the biggest nulla. उस टाइम पे the man of the world. वो सबके बिहेवियर से थोड़ा पिस ऑफ हो रहा है। इसको समझ रहे हो ना, जय श्री राम। गाइज यू नो हर, शी इज माई लिटिल सिस्टर, शी इज माई लिटिल सिस्टर। दीदी ये मेरे ब्लॉग में नहीं आना चाहते भाई, लेकिन जब मैं फेमस हो जाऊंगा तो फिर जरूर आएंगे, फिर मैं इनको ये दिन याद करवाऊंगा कैसे भगते थे। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि इस ब्लॉग को शेयर कीजिए और व्यूज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ एल्विश भाई को जरूर वोट करो, जाकर फाड़ दो एल्विश भाई को, ट्विटर पे जाके ट्रेंड कर दो, और इस अविनाश को तो आपको पता क्या करना कमेंट में, और उसको भी जियो को भी, ठीक है मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।